बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर। आज हम चर्सी चिकन बना रहे हैं और चर्सी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम घी को गरम करेंगे और इसमें घी जो है वो ज़्यादा डलता है। जी व्यूअर्स, सबसे पहले हम इसमें गोश्त डालेंगे, ये मुर्गी का गोश्त इसमें फ्राई करेंगे हम। पिशावर की जो जर्सी कढ़ाई बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये टेस्टी भी बनती है और मिनटों में बन जाती है। ये देखें, इसमें टमाटर काफ़ी ज़्यादा डलते हैं, ये नींबू हमने काट के रखे हैं और ये सब्ज़ मिर्चें हैं। सब्ज़ मिर्चें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितनी आपको पसंद हैं। और ये देखें, गोश्त को पहले अच्छी तरह फ्राई करना है। इसमें ये देखें, एक चम्मच हम नमक का डालेंगे। गोश्त को अच्छी तरह पहले फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद हमने एक चम्मच नमक का डालना है। एक चम्मच हमने डालनी है कुटी हुई काली मिर्च। ये देखें, आप अपने टेस्ट के मुताबिक काली मिर्च और नमक डाल सकते हैं। हमें थोड़ी तीखा चाहिए तो हम ज़्यादा डाल रहे हैं, ये देखें काली मिर्च। ये देखें, ये हैं कुछ सब्ज़ मिर्चें काटी हुई, वो हम डालेंगे इसमें, कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। और टमाटर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा चाहिए होते हैं। टमाटरों को हमने ये देखें हाफ दरमियान से काट कर इसमें ऐसे रखना है। देखें, टमाटरों को उल्टी साइड से रखना है, इस साइड से रखना है। इस तरह से सारी कढ़ाई के अंदर हमने गोश्त के ऊपर टमाटरों को सजा देना है ऐसे। ये देखें, अब ये टमाटरों को हमने उल्टी साइड पे रखा हुआ है। नीचे से भाप जब टमाटरों में पड़ेगा, टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, ये टमाटरों के पानी के अंदर ही पक जाएगी। ये देखें, अब जब हमने टमाटर ऊपर जोड़ दिए हैं, अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि ये भाप से ही नीचे वाला गोश्त गल जाए और टमाटर भी अच्छी तरह गल जाए। ये देखें, टमाटर अच्छी तरह ये देखें गल चुके हैं। अब हम इसके ऊपर से ढक्कन उतार कर साइड पे रख देंगे। ये देखें, और चिमटे की मदद से हमने टमाटरों के ऊपर से छिलका उतार देना है। अब ये देखें, ये देखें आसानी से उतरता जाएगा, ये साइड पे आप रखते जाएं। ये देखें, क्योंकि टमाटर बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं, बिल्कुल गल चुके हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें ये सारे टमाटरों के ऊपर से हम छिलका उतार देंगे और इसके ऊपर हम फिर नींबू निचोड़ेंगे। टमाटरों को हमने अच्छी तरह जब बिल्कुल ये देखें ये छिलका उतार लेंगे तो चम्मच की मदद से ही हमने इसी में मैश कर देना है बिल्कुल। ये देखें, टमाटर अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे, आप ये हिलाते जाएंगे, इसी में आपने थोड़ी देर फ्राई करना है। ये देखें, ये देखें टमाटर खुद ही बीच में टूटते जा रहे हैं। ये देखें जी, ये अब हमारा देखें चिकन टमाटरों के अंदर ही बिल्कुल गल चुका है, टमाटरों के साथ ही। ये देखें, ये हमारा अब चर्सी कढ़ाई, थोड़ी देर भूनना पड़ेगा इसे। ये चर्सी कढ़ाई तैयार है। आप ये मत समझिएगा कि चर्सी कढ़ाई में चरस डालते हैं, ये प्याज के बिना बनता है, प्याज भी नहीं इसमें डलता। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से आपको कोई खर्चा नहीं पड़ता, ये फ्री में होगा। ये देखें, ये इसमें घी ज़्यादा डलता है। आप ये घी ऊपर से जब ये तैयार हो जाए तो घी या साइड पे आ जाएगा, आपने घी उतार के रख लेना है। वो किसी और हांडी में भी डल सकता है, उससे उसका भी टेस्ट अच्छा आएगा। जी ये देखें, ये हमारी फाइनल लुक है। देखें कितनी मज़ेदार, सही टेस्टी है, और ये झटपट रेसिपी है, मिनटों में तैयार हो जाती है। आपको ज़्यादा इस पर टाइम भी नहीं वेस्ट करना।